चलो वापस तो आया हूँ मैं वाइल्ड लाइफ वीडियो पे। नहीं इतना ही बोलना था कि थोड़ी देर पहले जब मैं वीडियो कर रहा था तो वो अपडेट के लिए था, तो अभी इतना ही पता चला कि बसेस के अरेंजमेंट हो चुकी हैं। गुवाहाटी में जो पहुँचे हुए लोग हैं त्रिपुरा से, त्रिपुरा के लोग जो बैंगलोर से गया था, उन लोगों के लिए बस के अरेंजमेंट हो चुका है। तो भाई लोग, आप लोग जो भी हैं, जाएंगे, जा रहे हैं, प्लीज़ ध्यान से जाइएगा, कुछ प्रॉब्लम ना करें, या हल्ला वल्ला ज़्यादा मत करो। आप लोग आराम से बैठ के जाओ, कोई प्रॉब्लम ना करे। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकता है, कोई भी होगा, या हमारे तरफ से जो भी मदद कर पाएंगे हम लोग करेंगे हमारी तरफ से। बट इतना ही समझ लो भाई लोग कि हम आपके लिए कर रहे हैं। सिर्फ 1-2 घंटे लेट होने के कारण या फिर 4-5 घंटे लेट होने के कारण आप लोग कुछ उल्टा सीधा बातें ना क्या करें किसी के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो छोड़ ही दो, किसी ऑफिसर्स या फिर जो भी अरेंजमेंट कर रहा है आप लोगों के लिए, जितना कर रहा है उन लोगों के लिए तो सही है। लिस्ट अगर वो लोग अरेंजमेंट नहीं करता तो आप लोगों को जाने को कैसे मिलता। तो यही कर दिया है, अच्छा है कि अरेंजमेंट हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ तनुश्री मैडम को, जो हमारे टेक्स्ट देखा और तुरंत इंतजाम करा है बस के लिए। दैट्स अ लॉट ऑफ थैंक्स टू तनुश्री मैडम फॉर दिस। तो आप लोग भी धन्यवाद दो, आप लोगों की तरफ से जो भी हो सकता है, वीडियो जो बना सकता है बना के वीडियो भेज सकता है कि तनुश्री मैडम को थैंक यू देना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ करिएगा। उन्होंने हमारे लिए इतना तक तो किया है, तो आई वांट यू गाइस टू कम अप विद अ वीडियो। एटलीस्ट ये तो बताओ कि तनुश्री मैडम ने हमारे लिए इतना हेल्प किया है, या फिर बसेस का अरेंजमेंट तो कर दिया है जब हम गुवाहाटी में फंसे पड़े थे। सिर्फ आप लोग ही नहीं, जो लोग कल भी पहुँचे हैं, जो लोग उससे पहले भी गया है, उन लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हो सकता है तो आप लोग एक थैंक यू मैसेज ज़रूर भेजना या फिर ज़रूर देना तनुश्री मैडम के लिए भी, और त्रिपुरा गवर्नमेंट के लिए भी ना, त्रिपुरा गवर्नमेंट, तनुश्री मैडम, इंडियन गवर्नमेंट, बैंगलोर वॉलेंटियर्स टीम, आप लोगों के लिए जितना भी करा है सबको थैंक यू मैसेज तो भेजो, ताकि इन लोगों का एटलीस्ट और अच्छा से काम करने का मन करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब समझ रहे होंगे, या फिर अच्छा से जाओ। इतना ही मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से जाओ, कोई हल्ला मत करो, हल्ला करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, रिक्वेस्ट करो, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो रिक्वेस्ट करो, आप लोगों को ज़रूर मिलेगी, या फिर कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, मैं और ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता सबका, बस देखते रहो और अच्छा से जाओ। हैव अ सेफ जर्नी टू ये होम टाउन। चौराबारी में जाके वापस फंसेंगे आप लोग, मतलब फंसेंगे बोले तो वो चौराबारी में चलो, आप लोगों का मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा, तो आप लोग कोऑर्डिनेट करिएगा प्लीज़। आप लोगों का मेडिकल टेस्ट वगैरह जो भी होना है, 2 दिन आप लोग अगर आप लोग को वहाँ रखा जाएगा तो आप लोग प्लीज़ रहो, वहाँ से जाने के लिए वापस इंतज़ाम होगा या नहीं होगा वो देखेंगे, वो भी कर देंगे। जहाँ से भी हो आप लोग वहाँ जाके किसी से झगड़ा मत करना कि आप लोगों को डायरेक्ट त्रिपुरा जाने के लिए दिया जाए। अगर आप लोग को चौराबारी में रख के कुछ टेस्ट या क्वारंटाइन में 2-3 दिन के लिए रखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग रहो, आप किसी से झगड़ा मत करो या प्रॉब्लम खड़ा मत करो वहाँ पर। ठीक है भाई लोग, बहुत बहुत धन्यवाद अगेन फिर से हमारे साथ देते रहने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग आगे भी हमारे साथ देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ सेफ जर्नी।